All right, hi everyone, good afternoon. Take my job. It'll be on mute only. Yeah, good afternoon, everyone. All right, so last दो क्लासेस में हम लोगों ने गैसेस के बारे में, इनफैक्ट आइडियल गैसेस के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था. लास्ट क्लास में वी डिड डिस्कस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज वेल एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नाउ आज की क्लास में हम लोग गैसेस स्टेट को खत्म करने का टारगेट करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट रियल गैसेस. Now, after studying ideal gases, we understand the ideal gas behavior in a lot of detail, how various parameters of ideal gases like pressure, volume, temperature are related to each other. Real gases ka jo behavior hota hai, that is also very much same as ideal gases only. Like the behavior is quite similar. If you take a gas, any real gas around you, if you try to apply pressure on it, uska volume kam hoga. If you try to heat it up, to uska pressure badhega. Right? So broadly speaking, a real gas also behaves in a similar way. However, when we try to do calculations, if we try to accurately understand that behavior, we find that real gas ka behavior deviates slightly from what ideal gas behavior is. Now, as part of studying this portion of real gas, what I will do is follow a particular अप्रोच और यहाँ पे नोटिस करना हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे रियल गैसेस के बारे में. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस. हाउ डू रियल गैस बिहेव एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस का हम लोगों ने देखा हुआ है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन के हिसाब से कैसा बिहेवियर रहता है. Once we understand this experimental behavior, okay, then we will try to understand real gas equation. जैसे ideal gas equation होता है वैसे ही real gas equation रहेगा. Now, one important thing for you to understand is that real gas equation जो होता है it's not some one particular real gas equation that exists. In fact, there are many attempts that scientists have taken of trying to come up with an equation that explains the behavior of real gases. बहुत सारे equations हैं. One of the important ones जो हमारे syllabus में है जिसपे हम लोग फोकस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज वंडरवॉल्स इक्वेशन. वंडरवॉल्स रियल गैस इक्वेशन. और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पर देर आर रियल गैस इक्वेशंस. द वन विच वी विल फोकस ऑन इज इन वंडरवॉल्स इक्वेशन. सो वंडरवॉल्स इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन करने के बाद में द लास्ट थिंग दैट वी विल डू इज लुक एट द वैलिडेशन of
द रियल गैस इक्वेशन. लाइक वी विल डिस्क्राइब द रियल गैस इक्वेशन, वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके दिस इज द रियल गैस इक्वेशन, बट वी विल ट्राई टू वैलिडेट दिस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर विद वॉट द रियल गैस इक्वेशन इज टेलिंग अस. सो मोटा मोटा आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से रहेगा ऑफ द वे इन विच वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पार्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट वेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर, द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस. नाउ बिफोर अगेन स्टार्टिंग विद द रियल गैसेस, आई वुड वॉन्ट टू री एस्टैब्लिश द फैक्ट हम लोगों ने आइडियल गैस कैसे डिफाइन किया था. राइट, इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ वी हैड स्पोकन अबाउट दैट आइडियल गैस का डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट्स ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट अजम्पशंस. वन इज दैट वी नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट विद इन द वेसल, लाइक जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. And the second is that we don't apply or we don't consider any forces between gas particles. We consider them to be hard spheres. Now, यहाँ पे अब आप notice कर लो. While discussing about real gases, we will remove these assumptions and then study the behavior. What is the experimental behavior shown by real gases. Now, what we are doing is we are analyzing pressure and volume relationship, PV relationship, how pressure and volume are going to vary for a given quantity of real gas at a moderate temperature condition. Now, वो behavior किस तरीके से रहता है यहां पे आप नोटिस करना. ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली फर्स्ट ओनली राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो यहां पर आई विल कम बैक टू व्हाट दिस टर्म जेड इज, बट पहले जस्ट टेक स्मॉल ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ real gas behavior is as compared to an ideal gas behavior. So aap logo ne ideal gas ke bare mein dekha tha, ideal gas had a inverse relationship between pressure and volume. Right, pressure was inversely proportional to volume and as a consequence aisa hyperbolic relationship tha. Real gas ka bhi aisa hi relationship hai, हाइपरबोलिक रिलेशनशिप ही है मोटा मोटा. प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. बट यू कैन नोटिस दैट द ग्राफ्स डोंट एग्जैक्टली ओवरलैप. राइट, नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस ग्राफ और हाउ दिस डेविएशन can be mathematically understood. So notice karna, ideal gas ke liye PV is equal to nRT equation tha, right? For a given quantity of gas, for a given temperature, pressure and volume were inversely related to each other. However, for a real gas, yahan pe aap notice karoge जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट है पीवी रियल, दैट इज नॉट कमिंग इक्वल टू एनआरटी. देयर इज सम डेविएशन. अब इस डेविएशन को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं इन अ टर्म कॉल्ड एज जेड. ठीक है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. इट इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज विद चेंजिंग कंडीशंस. We can write this deviation or this non-ideality being captured in this term
and modify our equation as PV real is equal to ZnRT. ये जो टर्म है Z, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. Why is it called compressibility factor? वो नाम पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा. But this is a term that is useful in capturing the non-ideality. अब आप नोटिस करोगे, इफ आई डू सम बेसिक लाइक कैलकुलेशंस, लाइक मैं ये रियल गैस और आइडियल गैस के इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा एक दूसरे से, तो जेड आ जाएगा पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल. एंड इफ यू नाउ नोटिस इन द ग्राफ, ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना इस रीजन के अंदर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हाई प्रेशर रीजन. सो अंडर हाई प्रेशर कंडीशन इफ यू वुड नोटिस, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए रियल वॉल्यूम, ठीक है, वी रियल और वी आइडियल में यू कैन नोटिस दैट वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल. तो ये जो Z का हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, Z विच इज इक्वल टू PV real अपॉन PV ideal. सो P क्योंकि हम लोगों ने सेम ही लिया हुआ है, PV real अपॉन PV ideal, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इस रीजन में Z ग्रेटर देन 1 है. This is called as positive deviation. ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है positive deviation from ideal behavior. If you observe इस region में, यहां पर pressure कैसा है? It's a low pressure condition, relatively speaking. Right? तो यहां पर notice करना, lower pressure condition में, what is it that we can see? Again, यहां पर आप किसी एक lower pressure के बारे में बात करो और यहां पर when you see, you find that V ideal is actually greater than V real. Right? V real is lesser. So if I was to comment upon the value of Z, Z कैसा रहेगा? PV real upon PV ideal जो expression था, this will be less than 1. Right? So this is called as negative deviation. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से notice करना, high pressure conditions में कैसा बिहेवियर है और लोअर प्रेशर कंडीशंस में कैसा बिहेवियर है. दिस इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. एंड यहां पर इफ यू ऑल्सो एक्सटेंड दीज ग्राफ्स, लाइक आप और ज्यादा लोअर प्रेशर कंडीशंस में चले जाते हो, ठीक है, तो यहां पर हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, अभी मैंने इसके पीछे का रीजन नहीं दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, एक्सप्लेनेशन पे हम थोड़े टाइम बाद आएंगे. दिस इज अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशन. ठीक है, फर्दर लोअर प्रेशर कंडीशंस पे आप जाओगे तो यहां पर व्हाट वी एक्चुअली सी इज दैट ये ग्राफ्स ऑलमोस्ट ओवरलैप होने लगते हैं, दे स्टार्ट टू ओवरलैप विद ईच अदर. यहां पर व्हाट वी फाइंड इज दैट द वैल्यू ऑफ जेड अप्रोचेस 1. ठीक है, पीवी रियल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू
पीवी आईडी। नाउ दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ अ रियल गैस, हाउ इट बिहेव्स एज कंपेयर टू एन आइडियल गैस। ठीक है, ऑफकोर्स कैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन पे इफ आई टेक अ रियल गैस, definitely it does not follow PV is equal to nRT equation, it shows some deviation, that deviation is something that we are capturing in this term called as Z or compressibility factor, and what we are observing experimentally is that under higher pressure conditions this Z is greater than 1, that is we say that a real gas shows positive deviation from ideal behavior. Under lower pressure conditions, we find that the Z value is less than 1. That is, we say the real gas is showing negative deviation from ideal behavior. And under very, very low pressure conditions, we find a real gas behaving like an ideal gas only, Z approaching towards 1. थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा मैं ऑन दिस टर्म जेड, दैट इज व्हाट वी हैव गिवन द नेम एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो नोटिस करना, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, जेड कैप्चर्स द बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस विद रेस्पेक्ट टू आइडियल बिहेवियर। ठीक है, मैथमेटिकली आप लोगों ने देखा यहां पर। हाउएवर थोड़ा सा इसमें और अब मैं डिटेल्स एड करना चाहूंगा। This term Z, the reason why it is called as compressibility factor is because ये जो real gas का behavior capture हो रहा है, this can be also understood in terms of forces that are acting between the molecules of real gas. तो जैसे आप यहाँ पे notice करना, अगर हम high pressure conditions में observe कर रहे थे, कैसा था हाई प्रेशर कंडीशंस में, वी वर ऑब्जर्विंग दैट जेड वाज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, वी रियल वाज ग्रेटर देन वी आइडियल, दैट वाज आवर व्हाट आवर ऑब्जर्वेशन वाज। नाउ व्हाई सच ऑब्जर्वेशन वाज कमिंग, वो अगर हम नोटिस करने की कोशिश करें, उसके पीछे का रीजन समझने का कोशिश करें, तो रीजन कुछ इस तरीके से समझ में आता है दैट अंडर these high pressure conditions, what we are finding is that the real gas occupies more volume. Okay, V real was greater than V ideal, which means that real gas is less compressible than the ideal gas. Or what we can say is that the repulsive forces between gas molecules are dominant. Now, इसके पहले जब हम लोगों ने आइडियल गैस के बारे में डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया था, दैट देर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, राइट। हाउएवर इन रियलिटी वी अंडरस्टैंड दैट एक गैस का जो एटम होगा या एक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, right? So when two gas atoms or molecules are going to come close to each other, there are going to be attractive as well as repulsive forces. So between nucleus and nucleus, between same charges, repulsive forces going to be there, and between opposite charges, attractive forces are going to be there. So both kind of forces are going to be present. But what we are seeing over here is that under high pressure conditions, ठीक है, यहां पर थोड़ा visualize करने की कोशिश करो। हम लोगों ने gas को एक छोटी सी volume में compress करने की कोशिश करी है,
right? We have kept it in a condensed region, ठीक है, high pressure apply किया हुआ है. तो इसमें हम लोग क्या observe कर रहे हैं, that V real was found to be greater than V ideal, यानी कि जो real gas है that occupied more volume. Why was this so? Because the real gas के molecules के बीच में repulsive forces were dominant. ठीक है, दैट इज दी अंडरलाइन बैकग्राउंड. अंडर लोअर प्रेशर कंडीशंस आप नोटिस करना, अंडर लोअर प्रेशर कंडीशंस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड वाज दैट जेड वाज कमिंग आउट टू बी लेस देन वन. दिस वाज आवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, राइट? वी रियल वाज लेस देन वी आइडियल, राइट? सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वाज फॉर द सेम प्रेशर, ठीक है, कैसा प्रेशर? लो प्रेशर कंडीशन में. अगर हम सेम प्रेशर कंडीशंस पे बात कर रहे हैं, रियल गैस वाज फाउंड टू ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम, राइट? व्हाट इट मेंट वाज दैट दिस रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन द आइडियल गैस, राइट? और व्हाट वी कैन से इज दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर डोमिनेंट. अट्रैक्टिव फोर्सेस किन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं? ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, राइट? सो दिस वाज द अंडरलाइंग बैकग्राउंड और अंडरलाइंग रीजन दैट वी प्लेस्ड बिहाइंड दिस डेविएशन, बिहाइंड दिस पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. एंड यहां से अब आपको ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला वर्ड समझ में आ रहा होगा. राइट, सो वहां पे से इफ आई जस्ट टेक अ क्विक रिकैप, तो यहां पे ध्यान से नोटिस करना, जो ये जेड टर्म है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टर्म फॉर अ रियल गैस हमने डिफाइन किया है. इसका नाम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे रखा गया है आप नोटिस करोगे, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, अपने ग्राफ में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, राइट? ग्राफ में हम लोग कैसा यहां पे लिखेंगे, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस what we are observing is that z is more than 1, which is called as positive deviation from ideal behavior. Or you can say the real gas is less compressible. Okay, yahan par we say repulsive forces dominate. ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में. रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट एंड गैस इज लेस कंप्रेसिबल. ठीक है, रियल गैस इज एक्चुअली लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस. देन आइडियल गैस, ठीक है. एंड यही चीज अगर मुझे यहां पर अब रेप्लीकेट करनी होगी, इफ आई वॉज सपोज टू राइट इट डाउन फॉर लोअर प्रेशर कंडीशन, तो मेरा यहां पर स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ठीक है, आप नोटिस करना. द स्टेटमेंट वुड बी समथिंग इन द फॉलोइंग वे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. यहां पर वॉट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट. Attractive forces dominate between the molecules and real gas is more compressible. Then the ideal gas. This is, as I said, experimental observation about a real gas and its experimental behavior. Now, ये जो Z का observation था, इसको एक और graph में plot करा जाता है. तो एक और important graph यहाँ पे notice करना. This is a Z versus P graph. Right? तो जैसा आपने notice किया, ऊपर जैसे मैंने लिखा था आपके सामने, under वेरी लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, यहां पे आप फोकस करना अभी,
ठीक है, लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में जेड कैसा है, जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है, जेड इज अप्रोचिंग वन, और यू कैन से इट्स वेरी क्लोज टू वन, बिकॉज अंडर सच वेरी लो प्रेशर कंडीशंस व्हाट हैपेंस इज दैट वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो नाइदर द अट्रैक्टिव फोर्सेज नॉर द रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, दे आर बोथ नेग्लिजिबल ओनली, बिकॉज अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशंस गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आइडियल बिहेवियर ओनली, दैट्स व्हाई जेड अप्रोचेस वन, दिस इज अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। हाउएवर हम प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, बट स्टिल इन द लोअर रेंज ओनली, इफ यू स्टे इन द लोअर प्रेशर कंडीशंस ओनली। अच्छा, यू माइट वंडर सर व्हाट डू वी मीन बाय लो प्रेशर कंडीशंस, सो आप लो प्रेशर कंडीशंस मान लो एनीवेयर फ्रॉम से 180 एम टू 50 ATM, 100 ATM, ठीक है, दैट इज स्टिल कंसिडर्ड एज लो प्रेशर कंडीशंस ओनली। इट्स मे सीम लाइक अ लॉट सर, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिस्कशन लो प्रेशर कंडीशंस आर 180 ATM से लेकर 50-100 ATM तक लो प्रेशर कंडीशंस ही मानी जाएंगी। वेरी लो प्रेशर कंडीशंस आर समथिंग मच लेसर देन 180 ATM, ठीक है। सो अंडर दीज लो प्रेशर कंडीशंस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंडर लो प्रेशर कंडीशंस व्हाट इज इट दैट वी ऑब्जर्व, दैट जेड वाज लेस देन वन, अट्रैक्टिव फोर्सेस वर डोमिनेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, एंड देन व्हाट वी ऑब्जर्व इन द हाई प्रेशर रीजन, ये वाला रीजन नोटिस करना, दिस इज द हाई प्रेशर रीजन, दिस इज टू द ट्यून्स ऑफ 500 ATM, ठीक है, 500 ATM, 1000 ATM, उस रेंज के प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज वॉट हाई प्रेशर कंडीशन आर। अंडर हाई प्रेशर कंडीशन वॉट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट जेड का वैल्यूज आर ग्रेटर देन वन, ठीक है, जेड का वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग दैट रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, ठीक है, जो जेड इक्वल टू वन वाली लाइन है, दिस इज एक्चुअली यू कैन से आइडियल गैस का लाइन, ठीक है, एंड ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वो आइडियल गैस की लाइन है, कि जेड तो हमेशा ही वन होगा, बट यहां पर हम लोग अगर रियल गैस का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, राइट, दिस इज अ रियल गैस का लाइन और कर्व, तो इट इज समथिंग इन द फॉलोइंग वे, दैट अंडर लोअर प्रेशर कंडीशंस वी हैव नेगेटिव डेविएशंस एंड अंडर हायर प्रेशर कंडीशंस वी हैव पॉजिटिव डेविएशंस। नाउ डेफिनेटली देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट दैट माइट बी इंक्रीजिंग योर क्यूरियोसिटी, कि सर ये मिनिमा कहाँ पर आ रहा है और ये जेड इक्वल टू वन पे कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी आपके लिए दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, दे डोंट होल्ड मच मीनिंग और मच सिग्निफिकेंस फॉर यू, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये रियल गैस का जो ग्राफ है इसने वन की वैल्यू को कट करा, दिस इज द सेम पॉइंट, दिस पॉइंट जहां पर ये आइडियल गैस का और रियल गैस का ग्राफ मीट कर रहा था, ठीक है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस पॉइंट, देयर इज नथिंग रिमार्केबल, इट्स जस्ट अ पॉइंट जहां पर अंडर that particular pressure volume condition z ka value 1 aa gaya, that is just coincidence, you can simply put that coincidence in the following way, that jo attractive or repulsive interactions ki wajah se impact tha that cancelled out each other, theek hai, so nothing very fancy about it, theek hai, mota mota jo broad behavior hai that is more important for you to understand right now। तो ये आपके सामने एक रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग था, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, हाउ इट बिहेव्स
एज कंपेयर टू रियल गैस, ठीक है। एक दो क्विक क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करना चाहोगे, ठीक है, वैसे तो अभी तक हमने रियल गैस इक्वेशन पढ़ी नहीं है, दिस इज नॉट रियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू जेड एनआरटी, लाइक ये दिस इज नॉट द वंडरवॉल इक्वेशन दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, दिस इज लाइक एन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन फॉर रियल गैस वेयर दिस जेड का टर्म इज नॉट रियली अ कॉन्स्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन एज वेल एज फ्रॉम गैस टू गैस, ठीक है। So this is just an equation trying to capture the non-ideality. Okay. So let's say keeping that in mind, ek ye question aap try karo. Ha. In the meantime, you are trying this question. I'll take couple of doubts. थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया स्ट्रेंथ क्लास का, तो यू कैन रेज योर हैंड। हाँ बोलो सर। सर एक्चुअली दैट जेड इज इक्वल टू वन, एक्चुअली अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस कैंसिल आउट, मींस दैट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन each atom like that? No, we can't pinpoint in what manner it happened, right? It's just that you have understood that between two atoms there are attractive and repulsive forces, right? Kabhi kisi ka amount zyada hoga, kabhi kisi ka amount zyada hoga, coincidentally koi ek aisa point aa gaya jahan pe dono ka amount cancel out kar gaya. That's it. हाँ बोलो गार्गी। Sir, can you explain again how the why the graph differs like real gas and ideal gas? Maybe that is not a why question because that is what is happening. That is an observation. We are seeing that is the kind of general observation about real gases. Under high pressure conditions, we find them to show positive deviation. Under lower pressure conditions, we find them to show negative deviation. Bolo Rishabh. Sir, so the fact that higher the pressure, more the repulsion, and lower the pressure, more the attractive forces dominant. Sir, is just purely experimental, right? Or is there some science or reason behind it? हाँ मतलब देर इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन पुट बिहाइंड इफ देर इज हाई प्रेशर कंडीशंस आई हैव द गैसेस यू नो वेरी क्लोज टू ईच अदर गैस के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो वहां पर कैसा हो रहा है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन टेंड्स टू देन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अ डोमिनेंट रोल एंड दैट इज वाई वी सी दैट रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट वी सी दैट जेड इज ग्रेटर देन वन Whereas under lower pressure conditions, ठीक है जब molecules आपस में interact कर रहे हैं but दूर दूर से कर रहे हैं like they are whizzing past each other, but उसमें कैसा है then the electrons of one atom can get attracted by the nucleus of the other atom as well. Okay. Okay sir. बोलो धैर्य। Sir pressure और बढ़ाने पे sir real gas liquefied भी होगी ना? We'll talk about it. We'll talk about towards the later part of today's discussion. All right. So, coming back to this question, simple यहाँ पर आपको PV is equal to ZnRT apply करना था, like काफी simple सा question था. आपको values दिए हुए हैं, ठीक है? Just make sure that proper units use कर रहे हो आप. ठीक है इसमें तो वैसे भी R कैंसिल आउट हो जाएगा 0.37 लीटर्स इज व्हाट कम्स आउट एज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो ट्राई दिस क्वेश्चन हाँ बोलो प्रथमेश
सर आप वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे लो प्रेशर कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होती है और हाई प्रेशर में कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी किससे रिलेट हुई, दैट मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, राइट? तो अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस व्हाट वी सेड वाज न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं, राइट? तो फिर गैस को कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो गया ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिपेलिंग ईच अदर. ओके. एंड व्हेन वी आर इन लोअर प्रेशर कंडीशंस, राइट, द गैस पार्टिकल्स दे वर मोर कंप्रेसिबल. व्हाई? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे, एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो पा रहे थे. ओके. Yes, sir. So the answer to the first question is 0.37 or 0.32, because I have got 0.37. हाँ तो यही तो लिखा है ना, 0.37 ही तो लिखा है. अच्छा, तो आई 0.37 liters. हाँ, yes, sir. ठीक है, ये अगला वाला question try करने की कोशिश करें. बोलो ऋषभ. सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू लोअर माय हैंड. ठीक है, इसमें एक मैं हिंट दे देता हूं. फॉर द फर्स्ट पार्ट, डू नॉट यूज पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, लाइक प्रेशर और टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट ये देखकर, डेंसिटी देखकर आपको ये रिलेशनशिप शायद याद आ जाए, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी. आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में देखा हुआ हो ये, बट दिस इज बेस्ड अपॉन आइडियल गैस इक्वेशन एंड दिस इज नॉट एन आइडियल गैस, सो डोंट अप्लाई दिस, यू विल एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट आंसर. ऐसा लिखा हुआ है ना इसमें क्वेश्चन में कि कंप्रेशन फैक्टर भी बताओ कितना है, मतलब इट्स अ रियल गैस. हाँ ठीक है, आते आपका पहला पार्ट का आंसर करेक्ट है. क्योंकि पहले पार्ट में आप क्या यूज कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सिंपली यूज द फैक्ट यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेटा दिया हुआ है, दैट विल बी अ यूजफुल डेटा फॉर यू. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 शुड बी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर आप वो यूज करोगे तो यू शुड बी एबल टू कम अप विद द फर्स्ट पार्ट, दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज 18 ग्राम पर मोल. ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम. वन मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होगा? Of course, again, you can't apply PV is equal to NRT. Ideal gas नहीं है. ठीक है, मैं आपको hint अगर दूं, तो you should use density. ठीक है, the data of density. And like you can forget whether it is a gas. You can apply an approach which can be used for solids, liquids, or even for real gas also.
ऑल राइट, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डेंसिटी, आप ऐसे यूज कर सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम का सिंपल रिलेशनशिप है, 0.36 केजी पर मीटर क्यूब मतलब 360 ग्राम ऑक्यूपाइज 1000 लीटर, राइट, सो वन मोल बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, तो 18 ग्राम ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम, सिंपल यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 लीटर्स, राइट, आई थिंक मेनी ऑफ यू डिड गेट दैट आंसर करेक्ट. वंस यू गेट दिस देन यू कैन अप्लाई पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल टू गेट द वैल्यू ऑफ जेड, राइट, वी रियल जो आपने निकाल लिया है वो तो 50 लीटर से आ गया है, राइट, एंड वी आइडियल कैसे आ जाएगा, that will be based upon ideal gas equation if that was supposed to be applicable. So, yahan se you come up with the value of Z as 1.22. Theek hai, 1.2 bhi chalega. And lastly, aapse pucha ja raha hai, in the fourth part, which factor is dominant? In fact, fourth and fifth part, dono hai, toh Z agar greater than 1 hai, then yes, repulsive forces are dominant. And for the fifth part, you have been asked average translational kinetic energy per molecule, right? So that is equal to per molecule level per 3/2 KBT, right? You will have to use R upon NA and then report the answer in joules. Okay. Ha. Okay. Clear ये वाला part? This is something which you can apply for anything, na? Solid ho ki liquid ho ki gas ho, and gas mein even if it's not an ideal gas, real gas hai, to uske liye bhi apply kara sakta hai simple unitary method to, based upon the density. Okay. All right. Now let's come to van der Waals equation for real gas. Okay. Dhyan se notice karna hai yahan par. जैसा मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में स्टार्ट एज नॉट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन में बताया था, मोलर वॉल्यूम पूछा था ना, मोलर वॉल्यूम मतलब वन मोल का वॉल्यूम पूछा था, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट. सो अभी मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन में बताया था कि हम लोग एक रियल गैस के बारे में किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग एक रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने वो अभी समझ लिया है दैट हाउ अ रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर इज, ऑल्दो नॉट कम्प्लीटली बट अ गुड पार्ट ऑफ इट वी हैव अंडरस्टूड दैट एक रियल गैस कैसे एक्सपेरिमेंटली बिहेव कर रहा है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कम अप विद अ रियल गैस इक्वेशन, ठीक है, वी वॉन्ट टू कम अप विद एन इक्वेशन दैट कैन प्रिडिक्ट दिस बिहेवियर, ठीक है, जैसे PV इज इक्वल टू NRT वॉज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, सो इफ आई हैव सर्टन प्रेशर वॉल्यूम एंड मोल्स गिवन टू मी, राइट, आई कैन डिटरमाइन टेम्परेचर, और इफ आई हैव गिवन यू लेट से यू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ गैस अंडर सर्टन टेम्परेचर कंडीशंस इन अ सर्टन वॉल्यूम व्हाट प्रेशर इट विल बी एक्सर्टिंग, सो दिस इज द इक्वेशन टू यूज. So we want, if we can have an equation which can predict how a gas is going to behave. PV is equal to Z NRT, that is not the equation because Z जो है वो तो हमें ही experimentally निकालना पड़ता है, इसका value हमें थोड़ा ना पता है क्या होता है. This is something which we calculate experimentally only. Now, what we are trying to do is come up with a real gas equation that can help us predict the behavior of a real gas. Jaise maine aapko bola, there are many attempts at coming up with a real gas equation, right? The ones which is in our syllabus under our discussion is van der Waals equation. Now, it is important to know that van der Waals equation is not one of the most accurate real gas equation. There are equations which are more accurate than van der Waals equation. There are equations which are
ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है, पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन हो गया, या फिर रिडलिक सो क्वांग इक्वेशन हो गया. सो देर आर दीज अदर साइंटिस्ट हु हैव प्रपोज्ड बेटर मोर एक्यूरेट रियल गैस इक्वेशंस, बट दे आर अगेन नॉट पार्ट ऑफ आर सिलेबस. अपने सिलेबस में वंडरवॉल्स इक्वेशन यूज किया गया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट वंस, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वंस विच वॉज यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस. ऑल्दो नॉट क्वाइट एक्यूरेट, इससे प्रिडिक्टेड जो रिजल्ट होते हैं दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, बट गुड इनफ एट आर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब जब हम लोग जेई का सिलेबस पढ़ेंगे, जेई का एडवांस का डिस्कशन होगा, तब मैं आपको वैन डर वाल्स इक्वेशन का डेरिवेशन भी बताऊंगा. ठीक है, आई विल टेक यू थ्रू द डेरिवेशन दैट वैन डर वाल इक्वेशंस के बारे में सोचा कैसे गया एंड हाउ डिड दैट इक्वेशन कम अप. बट अभी के लिए वी डोंट रियली नीड टू गेट इनटू दैट डेरिवेशन राइट नाउ. व्हाट वी कैन सिंपली स्टार्ट बाय सेइंग इज दैट PV is equal to nRT was not fitting for a real gas. Okay, PV real जो था वो equal to nRT नहीं आ रहा था. Right? As a consequence, there were some corrections that were done. Okay, to the pressure term and the volume term. ठीक है, तो यहां पर वी आर राइटिंग P corrected and V corrected. There were certain corrections thought by van der Waal that if I correct the pressure term in certain way, if I correct the volume term in certain way, then it should become equal to nRT. ठीक है, कैसे वो corrections सोचे गए, describe किए गए, वो इसके derivation का part है. अभी के लिए मैं डायरेक्टली आपके सामने लिख दे रहा हूं. सो देर वॉज अ करेक्टेड टर्म फॉर प्रेशर विच इज रिटन एज पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, एंड देर इज अ करेक्टेड टर्म फॉर वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एज वी माइनस एन बी. दिस इज योर वैन डर वाल्स इक्वेशन वेयर एज यू कैन सी P stands for pressure, V stands for volume of the vessel, N stands for moles of the gas, R stands for the gas constant, T stands for the temperature, and this A and B, okay, small a and small b that are mentioned over here, are called as van der Waals parameter of a gas. Okay, so kisi particular gas ke liye, there will be particular values of A and B. किसी दूसरी गैस के लिए आप जब ये इक्वेशन लिख रहे होंगे तो देयर विल बी सम अदर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव ऑक्सीजन गैस. ठीक है, एंड आई नो ऑक्सीजन गैस का ए एंड बी. ठीक है, आपको ये दे दिया, आपने कोई बुक रेफर करी, कोई अच्छी सी हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री, एंड उसमें आपने वैन डर वाल्स पैरामीटर्स सर्च करें, आपने O2 गैस के वो पैरामीटर्स सर्च करें, आपको ए का वैल्यू पता पड़ गया, बी का वैल्यू पता पड़ गया. सो यू प्लग देम इन दिस इक्वेशन एंड व्हाट यू हैव इज अ रियल गैस इक्वेशन फॉर O2 गैस. नाउ यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ O2 गैस एज पर दिस इक्वेशन. ठीक है, सो आपको लेट से ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है. ठीक है, एंड नाउ लेट से यू आर गिवन कितना मोल्स ऑफ गैस है, क्या टेम्परेचर पर है और क्या वॉल्यूम ऑफ वेसल के अंदर है, तो यू कैन कैलकुलेट दैट वो गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही होगी. ठीक है, और वॉट एवर देन द अदर वे राउंड यू कैन प्रोसीड एंड कम अप विद द आंसर. ठीक है, समझ में आया. This is your real gas equation, van der Waals real gas equation. ठीक है, कोई दूसरी गैस होगी O2 की जगह, लेट्स से इफ
देयर इज SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए देयर विल बी सम अदर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट विल बी टैबुलेटेड एंड यूज्ड एंड देन यू कैन परफॉर्म एनालिसिस ओवर दैट गैस ठीक है यहां पे नोटिस करना ये जो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर वाला टर्म है इसको प्रेशर करेक्शन भी बोला जाता है एंड ये जो एन बी वाला टर्म है इसको वॉल्यूम करेक्शन या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोला जाता है ठीक है दिस इज समथिंग विच यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड बेटर व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू द डेरिवेशन दैट ये वैन डर वाल्स इक्वेशन डिराइव कैसे करा जाता है अभी के लिए आपके लिए इतना रेलिवेंट है दैट यू अंडरस्टैंड दैट okay there is this equation called as van der waals equation that describes behavior of real gases this equation consists of two important parameters called as a and b they are called as van der waals parameters and they are parameters which are dependent on a type of gas ठीक है now अब नोटिस करना ठीक है इफ आई वाज टू से आस्क यू अ वेरी क्विक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक है मैं एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ए और बी का ठीक है ए और बी का अभी थोड़ा डिटेल डिस्कशन में और करूंगा आप लोगों के साथ में ठीक है बट लेट्स से इफ आई वाज टू पुट अक्रॉस अ न्यूमेरिकल इन फ्रंट ऑफ यू समथिंग इन दिस वे तो मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूं ठीक है यूनिट्स का ध्यान रखते हुए फटाफट गेट मी एन आंसर टू दिस हाँ इसमें मैं आपके लिए लिंक एम्बेड कर दूंगा I will embed the link of जहां पर real gas का ये van der Waals equation का explanation है ठीक है तो आप उसमें से देख सकते हो but not right now later इसी में मैं embed करके आपको PDF send कर दूंगा actual pressure is P only यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें
हाँ ठीक है। इसमें I'll just quickly show you the answer. Okay. Ideal gas का आंसर आ रहा है 24.4 atm और वंडरवॉल्स इक्वेशन से आने वाला आंसर आ रहा है 21.9 या फिर roughly 22 atm। ठीक है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था, सबसे ज्यादा यूनिट्स का ध्यान रखना, ये जो किलो पास्कल और डीएम क्यूब में दिया हुआ है, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू समथिंग विच यू आर फेमिलियर विद, एटीएम लीटर्स में। ठीक है, एंड डी का भी जो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसको भी आप लीटर पर मोल में लेके आओगे। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जब फिर इसको आप सब्सिट्यूट करोगे इन द इक्वेशन, ठीक है, बाकी डेटा तो आई थिंक आपको पता ही है, इतना ग्राम से तो मोल्स पता है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, रेस्ट इज मेयर कैलकुलेशन। ठीक है, वेन यू वुड डू दैट, तो दिस इज वॉट यू विल गेट फॉर द रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आर इक्वेशन एट हैंड। ठीक है, यहाँ पे अपन नोटिस करना, दिस इज आर वंडरवॉल्स इक्वेशन फॉर अ रियल गैस। अब जो इसमें ये दो पैरामीटर्स हैं, वंडरवॉल्स पैरामीटर ए एंड बी, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। ध्यान से नोटिस करना, व्हाट डू दे सिग्निफाई। सो बी, दिस वंडरवॉल पैरामीटर बी is called as excluded volume per mole of real gas. Excluded volume per mole of real gas. Iska unit rehta hai liter per mole, right? And its value depends upon the size of molecules. In fact, it is related to the size of the molecules in the following manner. ठीक है, result यहाँ पर notice करना, this B is equal to 4 into Na into 4 by 3 pi R cube, where R is the size of the gas atom or gas molecule, assuming that gas atom or gas molecule is a sphere. ठीक है, where जैसा लिखा है यहाँ पर R is the radius of gas particle. ठीक है, we are assuming it to be the spherical particle. तो अगर gas के atom का या molecule का size बड़ा होगा तो उसका ये b का value भी बड़ा होगा, right? जैसे for example, if I ask you to compare H2 and N2, hydrogen gas and nitrogen gas ka B ka value, so you can very easily come up and say that, sir, N2 ke liye B ka value zyada hoga, because N2 ke molecule ka size zyada hai. Theek hai? If I ask you between helium, neon, argon, kiska B ka value zyada hoga? You will be able to come up with the understanding that जैसे जैसे molecule का या atom का size बढ़ रहा है, p का value भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर just to give you a tentative idea, ठीक है, वैसे तो मैंने वो question आपको करा दिया, but b का जो value है वो किस order का रहता है, ठीक है, यहाँ पर don't try to remember any values as such. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप वैल्यूज याद रखो, जस्ट मैंने एक हाइड्रोजन गैस का और मीथेन गैस का बी का वैल्यू
जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पे शो करा है टू गिव यू एन आइडिया दैट जो ये बी का वैल्यू है वो छोटा ही रहता है, इट्स अ स्मॉल वैल्यू ओनली, इसी रेंज में रहते हैं गैसेस के बी के वैल्यूज, ठीक है। तो ये वंडरवॉल पैरामीटर बी समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब वंडरवॉल पैरामीटर ए के बारे में भी बात कर लेते हैं। नोटिस करना, ए इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो वंडरवॉल पैरामीटर ए है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर मैं ऊपर इसके साथ में लिख देता हूं, ठीक है। ऑल्दो ये जब हम लोग जेई एडवांस में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्सो रिपल्सिव इंटरैक्शंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो इफ आई आस्क यू, ठीक है, दैट अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस जहां पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि N2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे कि H2 के बीच में, तो आपका क्या आंसर रहेगा? वापस से N2, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट रिपल्सिव इंट्रैक्शंस, ठीक है। कैसे वो, आई थिंक जब आप डेरिवेशन देखोगे तभी समझ पाओगे, नो पॉइंट गेटिंग इनटू मच डेप्थ फॉर इट राइट नाउ। नाउ ए के लिए नोटिस करना, वंडरवॉल पैरामीटर ए जो है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऊपर वाला, ठीक है, दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड रिपल्सिव इंट्रैक्शन। ए जो है दैट रिप्रेजेंट्स, इट इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन और विच रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ए का जो यूनिट रहेगा वो आपने ऊपर ही नोटिस कर लिया था, इट शुड बी एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ ए व्हेन यूजिंग कैलकुलेशंस, व्हेन यूजिंग दैट मैथमेटिकल इक्वेशन। नोटिस करना, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द इन जनरल अंडरस्टैंडिंग। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सो अब अगर लेट्स से मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल दैट N2 गैस और अमोनिया गैस, ठीक है, इन दोनों में से किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है? N2 गैस और अमोनिया गैस के बीच में किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, ठीक है, N2 N2 का मॉलिक्यूल और अमोनिया अमोनिया का मॉलिक्यूल, ठीक है। Now, right now, maybe a lot of you are not in the position to answer this because it requires a little bit of knowledge of bonding. ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने हो सकता है junior classes में पढ़ा हो, ठीक है, but आपको थोड़ा सा periodic properties और chemical bonding chapter का knowledge लगेगा so as to come up with an answer right now. जिनको आता है उनके लिए I will first show you the answer that between N2 and ammonia
the attractive forces between ammonia ke molecules are greater as compared to N2 molecules. And the reason is that ammonia ke jo molecule hote hain wo polar hote hain, whereas N2 ka jo molecule hai wo non-polar hote hain. Okay? Now, those who have some background about periodic properties and chemical bonding, they would be able to understand what I meant by polar and non-polar. Polar and non-polar kyun? Because if you understand ammonia ka jo molecule hota hai, usme is tarike se bonds hote hain. Nitrogen aur hydrogen ke beech mein single bond rehte hain. And nitrogen has a greater electronegativity. Okay, there is a property called as electronegativity. वो नाइट्रोजन के एटम के पास में ज्यादा होती है, यानी कि नाइट्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल चार्जेस. ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, बट जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा यहां पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू अराउंड द हाइड्रोजन एटम्स. तो यहां पर यू कैन से पार्शियल नेगेटिव एंड आ जाता है और यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव एंड आ जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट वी फाइंड इज दैट पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, रीजन इज प्रीटी सिंपल, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, एज कंपेयर टू दैट इफ आई लुक एट द N2 का मॉलिक्यूल. ठीक है, N2 का मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें दोनों नाइट्रोजन के एटम है, तो दे आर नॉन पोलर इन नेचर. ठीक है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकली रहेगा, किसी की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, पार्शियल चार्जेस नहीं. तो N2 मॉलिक्यूल और दूसरा N2 मॉलिक्यूल जो रहेगा उनके बीच में वीक फोर्सेस ही रहेंगे रिलेटिवली एज कंपेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, वापस से एक बार ध्यान से सुन लेना, मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था दैट आई वॉन्टेड यू टू कंपेयर N2 और अमोनिया के बीच में किसका A वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे. राइट, नाउ एज वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ ग्रेटर अट्रैक्टिव पुल एज कंपेयर टू N2. क्यों, बिकॉज अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आर पोलर. व्हाट डू आई मीन बाय दिस पोलर टर्म, बिकॉज अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा नाइट्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के एटम्स, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, एंड यू हैव अ पोलर मॉलिक्यूल, वेयर एज इन केस ऑफ N2 बिकॉज बोथ द एटम्स आर आइडेंटिकल इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, अच्छा, एक और चीज जिसमें अपन लोग कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये तो आपको अभी याद ही रखना पड़ेगा, लाइक दिस इज नॉट समथिंग विच यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू राइट नाउ, दैट इफ आई वाज टू आस्क यू टू कंपेयर अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे इफ आई आस्क यू हीलियम, नियॉन और आर्गन में, ठीक है, किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, किसके बीच में A का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो अगेन यहां पर यू विल हैव टू फॉलो दिस थॉट प्रोसेस, ग्रेटर द साइज ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ A. ठीक है, तो जैसे H2 हो गया, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, N2 हो गया, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, Cl2 हो गया, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, बट इनके बीच में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A के वैल्यूज
कैसे रहेंगे, ठीक है। अगेन यू डोंट नीड टू रिमेम्बर डेटा, ये डेटा मैंने जस्ट ऐसे रिप्रेजेंटेटिवली यहाँ पे डाला हुआ है। ए का वैल्यू जिनका किनका ज्यादा होगा, जिनका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, अगर नॉन पोलर के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूं तो, ठीक है। अदरवाइज पोलर नॉन पोलर के बीच में टिपिकली टिपिकली पोलर ज्यादा होता है, नॉट ऑलवेज द केस बट यस टिपिकली पोलर ज्यादा होता है। एंड द सेम एग्जाम्पल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के बीच में अगर मैं कंपेरिजन कर रहा हूं तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है क्योंकि सबके सब नॉन पोलर है, ठीक है, ए का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एज आई सेड, ये जो पोलर नॉन पोलर की अंडरस्टैंडिंग है या जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में देखोगे। अभी के लिए आपको इतना थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए दैट हाउ दीज वैन डर वाल पैरामीटर्स ए एंड बी वेरी बिटवीन गैसेस, ठीक है। सो एक क्विक रिकैप, वी स्टडीड वैन डर वाल इक्वेशन, राइट, विदाउट गेटिंग इनटू मच ऑफ द डेरिवेशन ऑफ इट, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज बेस्ड अपॉन आइडियल गैस इक्वेशन ओनली, PV इज इक्वल टू NRT, राइट, बट उसमें प्रेशर वाले टर्म को करेक्ट किया जाता है एंड वॉल्यूम वाले टर्म को भी करेक्ट किया जाता है, एंड दिस इज देयर करेक्टेड फॉर्म्स। दीज करेक्टेड फॉर्म्स इंक्लूड दीज टर्म्स, वैन डर वाल पैरामीटर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस, दे वेरी फ्रॉम वन गैस टू अनदर गैस, राइट। सो वट दे आर, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वट दे रिप्रेजेंट, ठीक है, एंड हाउ they vary from one gas to another gas. This was about B. B represented repulsive interactions, or you can say excluded volume. It depends upon the size of the molecules. So, जहां पर molecules का size बड़ा होगा वहां पर B का value ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग A के बारे में बात कर रहे हैं, right? A कैसा है यहाँ पर, it represents intermolecular forces of attraction. So, जिन गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, राइट, उनके बीच में ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा। सो उसमें मैंने आपको ये आइडिया दिया, टिपिकली पोलर गैसेस का नॉन पोलर गैसेस से ज्यादा रहता है अट्रैक्टिव वैल्यूज, ए वैल्यूज, एंड अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जनरली अगर साइज बड़ा होता है तो ए का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि उसकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको लेट से पोलर पोलर के बीच में कंपैरिजन करने को आ गया तो इट्स अ टेढ़ी खीर, मतलब इट्स नॉट एन इजी थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सम स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड केमिकल बॉन्डिंग, तो उनको पता है H2O भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है, SO2 भी पोलर है, ठीक है, यू हैव स्टडीड केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको आइडिया है। तो इनके बीच में किसका ए वैल्यू ज्यादा किसका ए वैल्यू कम, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, that will be too difficult a call, ठीक है। All right, एक broad idea, एक broad comparison आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। Now अब हम बात करते हैं वैलिडेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन की, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, आई कैन टेक कपल ऑफ डाउट्स ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज देयर माइट बी सम थिंग्स व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल। हाँ, आपको कुछ पूछना है वैलरी? सो बी इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सो कैन यू से दैट इन द फार्मूला वेयर डिड द एक्स्ट्रा 4 कम फ्रॉम? वो उसके डेरिवेशन है, दैट इज व्हाट आई सेड, ये वाला जो मैं आपको लिंक भेजूंगा एक, ठीक है, पोस्ट क्लास, जिसमें ये जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है, जो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसका डिस्कशन होता है, ठीक है, तो उसमें समझ में आएगा आपको व्हाई दिस 4 इज टेकन, ओके, ठीक है। हाँ बोलो थारा भाई। सर एक्चुअली इज द दैट वंडर एंड दैट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नोबल गैसेस सर?
हाँ गैसेस के लिए, रियल गैसेस के बिहेवियर के लिए एप्लीकेबल है. यस ओके सर. बोलो प्रथमेश. सर आप बता सकते हो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब ये होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमने दो ही अजम्पशंस लिए हैं. यस सर. तो हम लोग ये अजम्पशन को पहले एलिमिनेट करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि जो गैस के एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा. यानी कि अगर ये मेरा वेसल है, ठीक है, तो इस वेसल का ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. देयर इज सम वॉल्यूम व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट बिकॉज ऑफ द एक्चुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स. तो वी नीड टू रिमूव दैट वॉल्यूम. दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. ओके सर. ठीक है. एंड देन देयर इज अ सेकंड अजम्पशन दैट वी हैड टेकन व्हिच वाज दैट देयर आर नो forces between gas particles. We remove that assumption. We say that there are forces between gas particles. There are attractive and repulsive forces between gas particles. Now, वो forces जो हैं, उनको account में लेते हुए, कैसे हम लोग van der Waals equation derive करते हैं, वो उसके derivation का part है. But अभी के लिए, directly मैंने आपके सामने लिख दिया है that this is the van der Waals equation. Based upon some thought, some you know corrective measures that were thought by van der Waals, and he came up with this equation. Okay. Of course, as I said, ki aaj ke discussion ka third part hai to actually validate this. Okay. Van der Waals ne socha ki this should be something that should explain the real gas behavior, but this was all based on his thought process, based upon his आइडियाज. ठीक है. दिमाग में van der Waals ने सोचा कि यू नो प्रेशर टर्म को ऐसे करेक्ट करते हैं, वॉल्यूम टर्म को ऐसे करेक्ट करते हैं, एंड नाउ दिस इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट और शुड प्रिडिक्ट अ रियल गैस का बिहेवियर. सो दैट इज व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू प्रोसीड टू, व्हिच इज दिस थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, वैलिडेशन ऑफ van der Waals इक्वेशन. ठीक है. हाँ, और किसी को कुछ पूछना था? बोलो सिद्धार्थ सर. ये van der Waals इक्वेशन में व्हेन वी रिपोर्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर रियल गैस विल वी रिपोर्ट इट एज पी प्लस अलोंग पी इज व्हाट द एक्चुअल प्रेशर वाज. यहां पे लिखा ना मैंने सर. देन व्हाट अबाउट दैट करेक्शन? वो तो नॉन आइडियलिटी को कैप्चर करने के लिए, रियल बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए. ये जो पी है दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल प्रेशर. ओके सर. ठीक है. वी जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. ठीक है. एक एक टर्म को अच्छे से समझ लो यहाँ पर. यस सर. ठीक है. दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म एक्चुअल ओवर हियर बिकॉज़ आई न्यू ये डाउट रहता है. ओके. नाउ कमिंग टू द वैलिडेशन ऑफ van der Waals इक्वेशन, राइट. सो यहां पर आप नोटिस करना ये एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर देखा था हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले. क्या था ये एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर? इसका एक क्विक समरी दैट अंडर लो प्रेशर कंडीशंस attractive forces are dominant, z is less than 1. Under high pressure conditions, repulsive forces are dominant. And under very, very low pressure conditions, both attractive and repulsive forces can be neglected. Okay. Under very, very low pressure conditions, z was approaching 1, right? Under these low pressure conditions, z was less than 1, and under high pressure conditions, z was greater than 1. This is what our experimental behavior is.
ठीक है. अब नोटिस करना दैट वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑल्सो कम्स अप विद सिमिलर बिहेवियर. ठीक है, तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या था अभी आपके सामने, मैं यहां पर राइट हैंड साइड में लिख देता हूं. वंडरवॉल इक्वेशन था p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन डी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. ये आपके सामने वंडरवॉल्स इक्वेशन था. ठीक है, तो वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या कहता है एक बार ध्यान से नोटिस करना. पहले लो प्रेशर कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं. अंडर लो प्रेशर कंडीशंस, राइट, वंडरवॉल इक्वेशन के हिसाब से कैसा रहेगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये वाला टर्म निग्लेक्ट कर देते हैं. रिपल्सिव इंट्रैक्शंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एन डी वाला टर्म, ठीक है. इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है. फॉर वन मोल ऑफ गैस अगर लिखना है मुझे, एन का वैल्यू मैं वन लिख लेता हूँ. फॉर वन मोल कैसा हो जाएगा ये, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वेयर वी एम स्टैंड फॉर वॉट, मोलर वॉल्यूम, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. ठीक है, वी एम रिप्रेजेंट्स मोलर वॉल्यूम, एक मोल का कितना वॉल्यूम रहेगा. नाउ जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर हम लोग अभी इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट. तो अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट वाला रीजन जो है लो प्रेशर कंडीशन, उसमें क्या होगा, आप इस बी वाले टर्म को निग्लेक्ट कर दो, ठीक है. यू कैन नेग्लेक्ट दिस बी वाला टर्म और फिर थोड़ा सा इसको आप ओपन अप करो ब्रैकेट्स को, तो कैसा बन रहा है ये, हाउ इज इट कमिंग आउट टू बी, पी टाइम्स वी एम प्लस ए अपॉन वी एम इज इक्वल टू आर टी. ठीक है, आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाय आर टी, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी एम बाय आर टी प्लस ए अपॉन वी एम आर टी इज इक्वल टू वन. ठीक है, एंड देन ये जो वी एम अपॉन आर टी है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, जेड है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन वी एम आर टी. तो यहां पर आप नोटिस करना, अंडर दीज लो प्रेशर कंडीशंस what is it that van der waals equation is predicting, that z should be 1 minus a upon vm rt. is it something that is going to come less than 1? Right, it is going to come out to be less than 1. ठीक है, हमने B क्यों eliminate करा, because ये कैसा region है, यहाँ पे attractive forces dominate कर रहे हैं ना, तो B क्या था, B was a representative of what, repulsive interactions, तो इसलिए हम लोगों ने B यहाँ पर neglect कर दिया. ठीक है, अच्छा अब यहां पर notice करना, 1 माइनस समथिंग हो गया ना z का वैल्यू, 1 माइनस समथिंग शुड बी लेस देन 1 ना, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग. हाउ इज इट लेस देन 1, 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 नहीं होगा. एनीवेज, अच्छा यहां से एक और चीज नोटिस करना, जिस गैस के लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल, ठीक है, उसका जेड वन से और छोटा होना चाहिए, है कि नहीं.
जिस गैस का ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसका जेड वन से और छोटा होना चाहिए। तो यहां पर इनफैक्ट अगर हम दो डिफरेंट गैसेस का यही ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर से टू गैसेस से एन टू एंड या हाँ ठीक है चलो एन टू एंड अमोनिया, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, तो किसका ग्राफ नीचे रहना चाहिए? अमोनिया का नीचे रहना चाहिए ना, लाइक इफ आई वॉज टू ड्रॉ ग्राफ्स तो ये N2 का ग्राफ होगा और ये अमोनिया का ग्राफ होगा, ठीक है। एंड ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी मिलता है, जो N2 का ग्राफ है और अमोनिया का ग्राफ है उसमें अमोनिया का ग्राफ रिलेटिव टू N2 ग्राफ नीचे होता है। वाई? बिकॉज A ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन A ऑफ N2, ठीक है। तो उसमें ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होता है, उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वो ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, समझ में आया? हाउ वैन डर वाल इक्वेशन प्रिडिक्टेड बिहेवियर? ओके, अभी हाई प्रेशर कंडीशंस में नोटिस करना, ठीक है, द सेम थिंग अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस आप नोटिस करोगे। तो हाई प्रेशर कंडीशंस में कैसा है, यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, तो यहां पर मुझे ये ए वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। एंड देन लेट मी ओपन अप द ब्रैकेट्स अगेन, व्हाट इज इट दैट वैन डर वाल इक्वेशन इज नाउ टेलिंग अस? पीवीएम माइनस पीबी इज इक्वल टू आरटी, राइट, लेट मी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय आरटी, तो पीवीएम बाय आरटी माइनस पीबी बाय आरटी इज इक्वल टू वन, इसको हम लोग जेड बोल सकते हैं, और ये उस तरफ राइट हैंड साइड लेके जिस तरफ चला जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस पीबी बाय आरटी हो जाएगा ये, राइट। तो यहां पर can you see that under high pressure conditions according to van der waals equation z is coming out to be greater than 1 only, 1 plus pb by rt as per van der waals equation, acha, and jiska b ka value zyada hoga उसका ग्राफ यू कैन से ऊपर होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा एज पर व्हाट वैन डर वाल्स प्रिडिक्टेड, एंड दैट इज व्हाट वी आल्सो सी। सो व्हेन यू ड्रॉ दिस ग्राफ जेड वर्सेस पी ग्राफ, ठीक है, लेट्स से इफ आई वाज टू ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर एक एग्जाम्पल ऑफ, क्या एग्जाम्पल है, थोड़ा सिग्निफिकेंट साइज के डिफरेंस वाला ले लेते हैं, ठीक है, से N2 एंड H2, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो हायर प्रेशर रीजन है यहां पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, अगर मैं लाइक इस तरीके से दो ग्राफ्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, मतलब दे कैन बी लाइक समथिंग इन दिस वे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको लोकेट करने के लिए बोलूं कि कौन सा N2 होगा और कौन सा H2 होगा, तो क्या आंसर रहेगा आपका?
ऊपर वाला कौन सा होगा? एक तो यस, योर प्रिडिक्शन इज एक्चुअली करेक्ट, ऊपर वाला N2 एंड नीचे वाला H2 का रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज वन वैलिडेशन ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन, हाउ इट इज एक्सप्लेनिंग रियल गैस बिहेवियर, ठीक है। देर आर टू मोर वैलिडेशंस हम लोग नोटिस करेंगे अबाउट रियल गैसेस एंड देयर बिहेवियर। एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर और एक होता है लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो एक एक करके ऑब्जर्व करना। पहला ऑब्जर्व करना विच इज बॉयल्स टेम्परेचर। सो बॉयल्स टेम्परेचर होता क्या है ये आप नोटिस करना, दैट फॉर रियल गैसेस इट वॉज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट गैस के लिए कुछ डिफरेंट हो सकता है, मतलब H2 गैस के लिए कोई अलग टेम्परेचर हो सकता है, O2 गैस के लिए कोई अलग टेम्परेचर हो सकता है, बट इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस एग्जिस्ट जहां पर गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली, ठीक है। गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस का बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। CO2 गैस का बॉयल्स टेम्परेचर अगर हम लोग जनरली गूगल करें, बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ गैसेस, तो हमें एक आइडिया लगेगा अरे कोई डेटाबेस नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, इसका नहीं मिल रहा है मुझे, ऑक्सीजन गैस का मिला। ऑक्सीजन गैस का अराउंड 406 केल्विन है, ठीक है। ये O2 गैस का मिला, ठीक है। H2 गैस का काफी कम है, H2 गैस का जितना ये बता रहा है डेटाबेस, ये बोल रहा है 117 केल्विन, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट डिफरेंट डेटा रहता है। तो ये डेटा जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा होता है, ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या बता रहा होता है, दैट फॉर अ गैस देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा है जहां पर गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशन। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ रियल गैस, ठीक है। अब what we want is that any good real gas equation, okay, like van der Waals equation is also a real gas equation, so any good real gas equation should be able to predict this behavior, should be able to come up with this behavior ki ha uska jo equation hai wo automatically aisa kuch prediction dena chahiye ki you know there actually exists a temperature जहां पर गैस बिहेव्स आइडियली,
And van der Waals equation does do that. ठीक है, van der Waals equation does give that prediction. कैसे आता है वो prediction? वो again आप लोग जब JEE Advanced के बारे में पढ़ोगे तब मैं वो derivation आपको दूंगा. ठीक है, it is called as virial form of van der Waals equation. ठीक है, यहां पर अगेन वी विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू दैट डेरिवेशन राइट नाउ. अभी के लिए मैं डायरेक्टली रिजल्ट निकाल दे रहा हूं दैट वैन डर वाल्स इक्वेशन से हम लोग कुछ कुछ मैथ्स करते हैं. ठीक है, वी डू सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस इन द वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड देन कम अप विद दिस अंडरस्टैंडिंग, कम अप विद दिस रिजल्ट दैट देयर जो वैन डर वाल्स इक्वेशन प्रेडिक्ट करता है कि हाँ देयर इज अ टेम्परेचर T is equal to A upon BR. ठीक है, तो अगर आप let's say CO2 गैस के बारे में बात कर रहे हो तो आप CO2 का A का वैल्यू डालो, CO2 का B का वैल्यू डालो, right? And उससे आपको वो टेम्परेचर मिलेगा that should be its boils temperature. यानी कि उस टेम्परेचर पर, ठीक है, if I was to plot how the Z would be, it will come out to be ऑलमोस्ट वन. अगर यहां पे नोटिस करना, अगर वैन डर वाल्स इक्वेशन और डिटेल्स भी बताता है उसके बारे में. वैन डर वाल्स इक्वेशन कहता है कि अगर टेम्परेचर जिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो वो बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा हुआ गैस के, ठीक है, इफ दैट टेम्परेचर एट विच यू आर डूइंग द मेजरमेंट इफ इट इज बॉयल्स टेम्परेचर ओनली तो Z1 आएगा. बट अगर टेम्परेचर ज्यादा है बॉयल्स टेम्परेचर का देन यू शुड फाइंड दैट Z कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1 एंड इफ टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर देन Z शुड कम आउट टू बी लेस देन 1. राइट, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऊपर डेटा दिया था. क्या डेटा दिया था? O2 का कितना बॉयल्स टेम्परेचर बताया था मैंने? 406 केल्विन. ठीक है, सो O2 गैस का लेट से बॉयल्स टेम्परेचर इज 406 केल्विन. ठीक है, अब अगर आप लेट से O2 गैस का एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर प्लॉटिंग दिस ग्राफ, Z वर्सेस P का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, एंड से द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे से आप प्लॉट कर रहे हो, तो व्हाट इज इट दैट शुड हैपन टू जेड का वैल्यू? जेड कैसे रहना चाहिए एज पर द प्रिडिक्शन फ्रॉम वैन डर वाल्स? जेड शुड बी लेस देन 1. ठीक है, यानी कि अगर ये जेड इक्वल टू 1 की लाइन है तो जो लो प्रेशर रीजन में, ठीक है, लो प्रेशर रीजन में जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे जाना चाहिए. ठीक है, जेड शुड बी लेस देन 1. ठीक है, अब लेट से इंस्टेड ऑफ दिस आई प्लॉट एट रादर देन 298 केल्विन से आई डिसाइड 698 केल्विन पे मैं प्लॉट कर रहा हूं. ठीक है, O2 गैस को मैं ऐसे टेम्परेचर पे एनालाइज कर रहा हूं विच इज ग्रेटर देन इट्स बॉयल्स टेम्परेचर, तो फिर जेड कैसा दिखना चाहिए उस गैस का? जेड शुड कम आउट टू बी मोर देन 1. तो ये जो लो प्रेशर कंडीशंस है उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, Z इक्वल टू 1 की लाइन के ऊपर. ठीक है, एंड इफ आई प्लॉट एट 406 केल्विन ओनली या अराउंड दैट इटसेल्फ, इफ आई देन जो ग्राफ है दैट शुड कम प्रिटी मच हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो यहां पर if I would say neatly put it out, तो यहां पर ऐसा दिखेगा आपको that low pressure region में, ठीक है, focus on the low pressure region only. low pressure region में अगर boils temperature पर ही हम plot कर रहे हैं तो graph will be almost parallel to the x axis. अगर उससे कम temperature पर plot कर रहे हैं तो z will be less than 1 and उससे ज्यादा temperature पर plot कर रहे हैं तो Z should be greater than 1, right?
एंड इवेंचुअली द हाई प्रेशर रीजन में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तो ये सबके सब ग्राफ ऊपर ही चले जाते हैं, दे बिकम मोर देन वन अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस ओनली, बट यस अंडर द लो प्रेशर रीजन्स दिस इज समथिंग विच वी ऑब्जर्व फॉर रियल गैसेस विच इज ऑल्सो प्रिडिक्टेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन. सो दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड इक्वेशन, दैट वैन डर वाल्स इक्वेशन इज एक्चुअली डूइंग इट्स जॉब, इट इज giving us an idea or a good idea in terms of how the behavior of a real gas would be under different conditions, right? So under low pressure conditions, but at different temperatures, what is the kind of deviation that a real gas should be showing? Okay. Now, again, as I said in the beginning also, van der Waals equation is good in predicting, but it is not accurate. It is not one of the most accurate. So, यहाँ पर ये जो van der Waals से predicted value है a upon br, this might not be very close to the actual values. जैसे मैंने आपको O2 का value बताया, ठीक है, 406 Kelvin का, right? तो that value के like if I put a and b of O2, it might not give me the answer very close to that. ठीक है, so it is not very accurate, but it is still good in terms of predicting the behavior. ठीक है, so yes, if you remember, जो starting में मैंने ये graph draw किया था, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर like कुछ word use किया था, जब start में मैंने ये graph आपके साथ share करा था, that मैं moderate temperature conditions पे ये graph draw कर रहा हूँ, ठीक है, because I wanted it to have this kind of a look, negative deviation and then positive deviation. ठीक है, but अगर let's say मैं किसी gas का graph बना रहा हूँगा, ठीक है, at a temperature which is greater than 298 Kelvin, जैसे for example H2 gas का graph देखो, H2 gas का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, उसका Boyle's temperature कितना होता है, 112 केल्विन या 117 केल्विन, आई थिंक 117 केल्विन बताया था. तो अगर मैं 298 केल्विन, दैट इज आवर रूम टेम्परेचर कंडीशंस, उस पे उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, हाउ वुड दैट ग्राफ बी इफ आई वाज आस्किंग यू टू प्रिडिक्ट. तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है, दैट्स इट. ठीक है, इस तरीके से उसका बिहेवियर रहता है, हाँ, ऑलमोस्ट लीनियर ही है, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि लीनियर हो, बट ऑलमोस्ट लीनियर ही रहे. ठीक है, ऑलराइट, सो दिस वाज बॉयल्स टेम्परेचर. देन एक और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन देख लेंगे, लेट्स लुक एट अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन विच इज liquefaction of gases. ठीक है, now ideal gas तो definitely liquefy नहीं हो सकता. ठीक है, ideal gas क्यों नहीं liquefy हो सकता, because ideal gas doesn't consider any force of attraction between gas particles, right? So ideal gas में there is no liquefaction. However, real gases do liquefy. ठीक है, इफ आई वॉज टू एक्चुअली शो यू ग्राफिकली, तो आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, ये पी वर्सेज वी ग्राफ नोटिस करना, आइडियल गैस का ग्राफ कैसा रहेगा, इट विल बी समथिंग लाइक अ हाइपरबोला ओनली, है ना, पी वर्सेज वी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस विल बी दिस हाइपरबोला ओनली. मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट रियल गैस के लिए भी हमने नोटिस किया दैट ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा. ठीक है, द ग्राफ विल बी इन दिस वे ओनली, ऐसा हाइपरबोलिक नेचर ही रहेगा. ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट समथिंग विच इज एग्जैक्टली मैचिंग द आइडियल गैस, बट सम डेविएशन. लेकिन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस विद रियल गैसेस ऑल्सो इफ वी टेक देम to lower temperatures.
अगर मैं किसी गैस को लोअर टेम्परेचर पे कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, वी डिफाइन अ टेम्परेचर कॉल्ड एज टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर. थोड़ी देर में मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में. बट नोटिस करना, अगर मेरा जो टेम्परेचर है गैस का, जिस पर मैं गैस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उस गैस का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, वी विल रेफर टू इट एज टीसी इन सम टाइम, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे इसको हम लोग सम टाइम में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस का, ठीक है, मैं आपको डेटा दे देता हूँ. CO2 गैस का टीसी इज हाउ मच, एक मिनट, लेट मी टेक दैट डेटा. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस इज 304 केल्विन, ठीक है. तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, लेट से 304 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे एनालाइज कर रहा हूं, से 400 केल्विन पे एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, देन व्हाट आई सी इज दैट CO2 गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता है. इट फॉलोज दिस काइंड ऑफ अ कर्व. आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है, बट यू डोंट सी एनी लिक्विफिकेशन हैपनिंग, ठीक है. हाउएवर इफ आई टेक CO2 गैस एट अ टेम्परेचर लोअर देन दिस 304 केल्विन, ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है, पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर बता रहा हूं. इफ आई टेक CO2 गैस एट अ टेम्परेचर से 250 केल्विन, ठीक है, कम टेम्परेचर पे मैं लेता हूँ गैस को, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, कम होता है, चल रहा है, मतलब नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, ऐसा ही चलता रहना चाहिए था, मतलब दिस इज व्हाट इट शुड हैव बीन, हाइपरबोलिक नेचर. बट समथिंग स्ट्रेंज हैपेंस एट सम पॉइंट. व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट CO2 गैस बिगिंस टू लिक्विफाई, ठीक है, देयर इज अ सडन ड्रॉप इन द वॉल्यूम. यहां पर वॉल्यूम लाइक प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, बट यहां पर कैसा हो रहा है आप नोटिस कर रहे हो, हार्डली एनी चेंज इन प्रेशर एंड द वॉल्यूम ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली, ठीक है. सो यहां से ए से बी में जा रहा हूं, एक नॉर्मल गैस की तरह बिहेवियर है, ठीक है, इसको हम लोग वेपर बोल रहे हैं, वेपर की तरह बिहेवियर है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बट बी पॉइंट पर व्हाट वी ऑब्जर्व इज लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जो गैस है वो कंडेंस होकर लिक्विड लाइक ड्रॉप बनने लग जाता है, ठीक है, यू कैन सी लिक्विड इन द वेसल, राइट, एंड यहां पर यू कैन सी दैट बी टू सी में पूरा का पूरा जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगा, एंड लिक्विफाई होने के बाद में इट विल बिकम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसा वर्टिकल सा ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो देर इज हार्डली एनी चेंज इन वॉल्यूम दैट इज हैपनिंग, ठीक है. तो दिस इज समथिंग विच इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट रियल गैसेस, ठीक है, मैं आपको एक यहां पर डायग्राम भी दिखाता हूं, ठीक है, तो यहां पे नोटिस करना, दिस इज एक्चुअली समथिंग आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, बीच वाला पार्ट को थोड़ी देर में हम बात करेंगे. ये एक अपैरेटस है, उसके अंदर गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे, ठीक है, नोटिस करोगे तो यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर है, देयर इज नथिंग यू कैन सी, वेयर एज यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो, कैन यू सी अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन द गैस फेज एंड द लिक्विड फेज. ये ऊपर यहां पर गैस है और नीचे यहां पे लिक्विड है, ठीक है. सो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज यू कैन थिंक ऑफ इट एज टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर,
ठीक है, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, हमने काफी कंप्रेस कर दिया है, बट वी डोंट सी एनी साइंस ऑफ लिक्विफिकेशन। यहाँ पर गैस जो है वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट मेंटेन है। बट यही चीज अगर हम लोग एक ऐसे टेम्परेचर पे करें विच इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, देन वी एक्चुअली सी लिक्विफिकेशन, वी सी दैट द गैस इज फॉर्मिंग अ और द वेपर इज कंडेंसिंग इनटू लिक्विड, बोथ गैस एंड लिक्विड आर कोएग्जिस्टिंग। ठीक है, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ अपन रीड करेंगे। इफ वी ओनली ट्राई टू कंप्रेस गैस देन लिक्विफिकेशन मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, वॉट वी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली वॉज दैट देर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर TC, अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, नो मैटर आप कितना ही प्रेशर लगा लो। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे नोटिस करा ना ग्राफ में, आप प्रेशर लगाते जाओ ठीक है, लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है, हाउएवर बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉट वी फाइंड इज दैट वी कैन लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, यहां पर लो प्रेशर रीजन में तो कैसा है, ठीक है, हम लोग अभी भी जो गैस है वो गैस ही है, लाइक हम लोग उसको वेपर बोल देते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, गैस की तरह बिहेव कर रहा है, बट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर यू इवेंचुअली आर एबल टू लिक्विफाई द गैस। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट वी सी फॉर रियल गैसेस इनफैक्ट। ठीक है, ये जो बीच वाला इमेज है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जो एक स्पेशल टेम्परेचर मैंने आपको बताया जिसके ऊपर लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, जिसके नीचे सॉरी उसके ऊपर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसके नीचे लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, तो उस टेम्परेचर पर क्या होता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, दैट एक फॉगी फॉगी टाइप ऑफ स्टेट आ जाता है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल स्टेट। कैन यू सी दिस फॉगी सब्सटेंस बिटवीन द पिस्टन्स, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्टेट। ठीक है, राइट, तो यहां पर ये जो तीन मैंने डायग्राम्स आपके सामने बनाए, ठीक है, यहां पर कैसा था, दिस वॉज यू कैन से अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, दिस वॉज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, एंड दिस इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन वी कंप्रेस अ गैस, ठीक है, देर इज दिस फॉगी काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज यहां पर आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, वी एक्चुअली से दैट बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट। ठीक है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यहां पर आप नोटिस कर रहे हो, हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और वेपर दोनों आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट ये जो क्रिटिकल स्टेट है, ठीक है, यहां पर यू कांट सी अ मेनिस्कस, यू कांट सी अ बाउंड्री। ठीक है, वी से इसको क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं, यहां पर वी डोंट से दैट लिक्विड एंड वेपर आर को एग्जिस्टिंग, वी से दैट दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, देर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन दैट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहां पे नोटिस करना, TC इज दैट टेम्परेचर कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, PC स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट TC। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करोगे ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, हाँ, ये वाला आप ग्राफ नोटिस करोगे
तो इसमें इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नो मैं लोअर टेम्परेचर पे हूँ तो ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है. इफ आई प्लॉट इट एट अ टेम्परेचर विच इज स्लाइटली हायर तो मेरा ग्राफ कैसा रहेगा, द ग्राफ वुड बी समथिंग इन दिस वे. ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो मेरा ग्राफ कैसा रहेगा, द ग्राफ वुड बी समथिंग इन दिस वे, ऐसा. ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर यू कैन से ये एक मैक्सिमा सा आ रहा है डॉटेड लाइन का, दिस इज एक्चुअली दैट क्रिटिकल स्टेट. यहां पर दिस इज, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, यहां पर ये कुछ इस तरीके से रहता है और ये जो प्रेशर है, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर, इसको हम लोग पीसी बोलते हैं और यहां पर जो वॉल्यूम होगा उसको हम वीसी बोलते हैं. ठीक है, आप नोटिस करोगे, ठीक है, मैं ये बीच वाले हटा देता हूं. इसके पहले यहां पर, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर के हम लोग नीचे हैं तो हमारा वेपर एग्जिस्ट कर रहा है. हम लोगों ने क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर चले गए तो हमारा लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, एंड एट क्रिटिकल प्रेशर क्या हो रहा है, यहां पर वी आर इन टू अ स्टेट विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्टेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल स्टेट. इसके नीचे अगर टेम्परेचर है तो हमें प्रॉपर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दिख रहा था. ठीक है, अगर हम लोग कम टेम्परेचर पर है देन क्रिटिकल टेम्परेचर, देन व्हाट वी ऑब्जर्व इज दिस प्रॉपर लिक्विड वेपर रीजन जिसमें एक प्रॉपर बाउंड्री दिख रही थी, एक प्रॉपर मेनिस्कस दिख रहा था, बट ये जो क्रिटिकल स्टेट रहती है वो ऐसे फॉगी दिखती. ठीक है, बट एनीवेज चलो हम लोग इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. ठीक है, बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था दैट दिस इज समथिंग विच वी सी व्हेन वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व अ रियल गैस. दिस इज अ बिहेवियर लिक्विफिकेशन विच इज सीन. नाउ नोटिस करना, ठीक है, दैट वैन डर वाल्स इक्वेशन प्रिडिक्ट्स दिस बिहेवियर एज वेल. कैसे, आप यहां पे नोटिस करोगे. सो इफ यू नोटिस वैन डर वाल्स इक्वेशन, डू यू नोटिस दैट देर इज अ क्यूबिक ऑफ वी इफ यू रिजॉल्व इट सॉल्व इट तो आपको दिख रहा है यहां पर क्यूबिक है. Now, अगर लेट से मैं आपको P का वैल्यू दे दूं और A और B का वैल्यू दे दूं, तो अगर आप V का क्यूबिक सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यू माइट एंड अप गेटिंग 3 रियल रूट्स. डज दैट मेक सेंस? For the same pressure and temperature conditions, you are getting 3 values of volume. How does it make sense? It actually doesn't make sense. So, van der Waal equation inherently ये चीज predict करता है. कैसे? आप notice करना, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर. अगर टेम्परेचर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये जो क्यूबिक है ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, एज पर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो नोटिस करना ये जो क्यूबिक है ये ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही रियल रूट देगा, बाकी दो इमेजिनरी रूट रहेंगे.
ठीक है, और अगर टेम्परेचर लोअर है, इट इज लोअर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, देन यू विल एंड अप गेटिंग ऑल द थ्री रियल रूट्स. ठीक है, विच इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, बिकॉज इस रीजन में क्या हो रहा था, इस रीजन में आपने ऊपर नोटिस किया था क्या हो रहा था, लिक्विफिकेशन हो रहा था. सो इट इज वन डर वॉल्स इक्वेशन एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स समथिंग वियर्ड हैपनिंग. ठीक है, एट हायर टेम्परेचर्स वन डर वॉल्स इक्वेशन इज ऑल फाइन. वन डर वॉल्स इक्वेशन इज लाइक कि एकदम बढ़िया इक्वेशन है, आप प्रेशर का वैल्यू डालो, ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू डालो, आपको वी का वैल्यू मिल जाएगा, एक रियल वैल्यू मिलेगा, बाकी इमेजिनरी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन अगर आप लोअर टेम्परेचर्स पे हो तो फिर वन डर वॉल्स इक्वेशन इज गिविंग ऑल थ्री रियल रूट्स विच आर नॉट मेकिंग एनी सेंस. ठीक है, सो इट इज वन डर वॉल्स इक्वेशन ट्राइंग टू टेल अस दैट समथिंग इज हैपनिंग बिलो सर्टन टेम्परेचर्स. नाउ वॉट इज दैट टेम्परेचर जिसके नीचे ये सब अकरेंस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द प्रिडिक्टेड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वान डर वाल्स इक्वेशन. ठीक है, तो वो एक टेम्परेचर जहां पर तीनों रूट्स जो हैं वो रियल है बट को इंसाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो लोअर टेम्परेचर्स हैं वहां पर तीन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दिख रहे हैं आपको, ये तीन काले डॉट्स जो हैं. ठीक है, एंड ये जो डॉट्स हैं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ ये डॉट्स क्लोज आते जा रहे हैं, देन इवेंचुअली दे मर्ज एट अ सिंगल पॉइंट ओनली जहां पर तीनों के तीनों रूट्स कोइंसाइड कर जाते हैं, एंड दैट इज योर प्रिडिक्शन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर फ्रॉम वान डर वाल्स इक्वेशन. ठीक है, तो यहां पर आप लास्ट में बस ये नोटिस कर लेना, ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, वान डर वाल्स इक्वेशन का जो क्यूबिक है उसके तीनों रूट्स कोइंसाइड कर जा रहे हैं. ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन दैट कैलकुलेशन वी कम अप with the value of these critical parameters PC, VC and TC. PC is A upon 27B square, TC is 8 upon 27BR and VC is equal to 3B. Okay? So this is Van der Waals prediction of critical state. Although again not accurate, okay, jo Van der Waals equation predict kara hua itna accurate nahi hai, but still good enough. Okay? Because Van der Waals equation did highlight the fact that yes, there is something happening at lower temperature conditions. ठीक है, आपको ये results याद रखने हैं, derivation नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा. Do remember these results of PC, VC and TC and this graphical understanding. ठीक है, so this finishes off your real gas का part. ठीक है, and एक जस्ट ये नोट आखिरी में देख लेना, जिन गैसेस का ए वैल्यू ज्यादा होता है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज जस्ट एडिशनल थिंग विच आई वांटेड टू पुट इन द एंड, बट यस, दिस फिनिशेस ऑफ योर रियल गैस का डिस्कशन एज वेल. ठीक है, डिटेल में हम लोग देखेंगे जब जेई एडवांस का पार्ट आएगा, देन वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल, तब मैं थोड़ा डेरिवेशन वगैरह भी आपको बताऊंगा समझाऊंगा. अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए. नाउ नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप, पहले आई वाज थिंकिंग एक्चुअली ऑफ टेकिंग अप थर्मोडायनेमिक्स ओनली, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट रहेगा दैट आई टेक अप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट विद यू. ठीक है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस हैं, दैट इज समथिंग विच वी विल डू एज एन इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप. विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है, hopefully that should get done in 2 sessions. Chalo, all right, thank you guys, take care.